मेरी बेटी रिया किसी गुलाब की कली की तरह खिल रही थी कि अचानक ही वो मुरझाई सी रहने लगी। रिया की उम्र अभी 18 साल ही हुई थी, अभी तो उसने जवानी की सीढ़ियां चलना शुरू ही किया था। आप तो जानते ही हैं कि ऐसे में कोई भी माँ अपनी औलाद को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, आजकल के बच्चों को इंटरनेट ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया है, और अब रिया का इस कदर बदला हुआ रवैया मुझे किसी अनहोनी के होने का एहसास करा रहा था। जब से ये सब मैंने महसूस किया, तभी से मेरे अंदर सच्चाई जानने के लिए एक अजीब तरह की बेचैनी होने लगी, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एक दिन मैं रिया के कमरे में छुप गई। मैंने देखा कि रिया ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगाने के बाद अपने कपड़े उतार दिए। उसके बाद रिया ने अपना मोबाइल फोन उठाया और फिर जो मैंने देखा उससे तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी जवान बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी की नजर लग गई हो। हर वक्त हंसने बोलने वाली मेरी छोटी सी गुड़िया बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ है। ना वो ठीक से बात करती थी और ना ही ढंग से मेरी किसी बात का जवाब देती थी। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी पंडित को दिखा दूं, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि बात वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ, बात तो कुछ और ही है। और जिस रात सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बात छुपाने लगी। रिया में अचानक ही बहुत बदलाव आया था। रिया रात को जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती थी और खुद को बंद कर लेती थी, जबकि आज से पहले वो कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर ही सोया करती थी। हमारे घर में मेरे और उसके अलावा था ही कौन। हाँ, कुछ दिन पहले मैंने ऊपर वाले कमरे में एक किरायेदार को रखा था, क्योंकि हमारा गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। वो एक बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। उसका आना जाना भी हमारे ही दरवाजे से था, क्योंकि घर में एक ही रास्ता था। लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे कभी भी उससे कोई परेशानी नहीं हुई। वो मुझे आंटी ही कहता था और रिया को अपनी छोटी बहन मानता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रिया को लेकर घर में बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। वो इस कदर खामोश हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि उसे क्या हुआ है। पहले तो मैं जैसे ही फैक्ट्री से आती थी तो मेरे आगे बैठकर अपने दिन भर की कहानी सुनाती थी। मेरे पीछे अगर घर में एक पत्ता भी हिलता तो रिया मुझे उसकी खबर दे देती थी। उसकी कोई सहेली नहीं थी, इसलिए उसकी सब कुछ बस मैं, उसकी माँ ही थी। लेकिन अब जब मैं घर आती तो रिया का रवैया कुछ अलग अलग लगता था, और खाना खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो जाती थी। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सा दर्द महसूस होने लगा था। रिया के पापा को इस दुनिया से चले जाने के बाद मैंने रिया को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मैंने उसकी हर ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा किया था। हालांकि पापा के मरने से पहले उन्होंने ये मेरे नाम कर दिया था, जिसमें दो कमरे और एक हॉल था, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। और अब मैंने पहली बार उस कमरे को किराए पर चढ़ाया था। जिस लड़की को मैंने किराए पर रखा था वो किसी दूसरे शहर से यहाँ नौकरी की वजह से आया हुआ था। मुझे उससे लेकर कभी भी शक इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो सुबह होते ही मेरे साथ ही घर से निकल जाता था। दिन भर रिया घर में अकेली ही होती थी, पढ़ाई उसने छोड़ दी थी हमारे घर के हालातों की वजह से, तो फिलहाल वो घर के कामकाज ही किया करती थी। उसके पापा की मृत्यु के बाद मैंने तो एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। फैक्ट्री की छुट्टी के बाद जब मैं घर आती तो कभी कभी वो मुझसे पहले आया होता था। उसका नाम रवि था और उसे देखकर मुझे यकीन हो चला था कि उसका रिश्ता किसी अच्छे खानदान से ही है, इसलिए मैंने भी उसे अपने घर में रख लिया था क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। रिया अब जवान हो रही थी, 18 साल की उम्र में ही बहुत बड़ी लगने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी ही उसकी शादी करना चाहती थी। उसके पापा के मरने के बाद मैंने अकेले ही घर और उसकी जिम्मेदारी उठाई थी और उसे किसी सौतेले बाप के साए में नहीं जाने दिया था। यही वजह थी कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। इनके गुजर जाने के बाद रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। आप सब तो जानते ही हैं कि ये जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। शायद ऐसी ही एक गलती मुझसे भी हो गई थी। मुझे रह रहकर ये एहसास हो रहा था कि फैक्ट्री से जो भी तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें मैं घर का खर्चा तो जैसे तैसे चला लेती हूँ, लेकिन रिया की शादी के लिए मुझे और पैसों की जरूरत होगी। इसलिए मैंने अच्छी रकम पर ऊपर वाला कमरा किराए पर दिया था
ताकि मैं जल्द से जल्द रिया की शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर पाऊं और कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूं। लेकिन उसके बदलते व्यवहार ने मुझे अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने कई बार रिया से पूछा कि कोई तकलीफ है तो बताओ, लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी। ये मेरी वही बेटी थी जिससे अगर धक्का भी लगता तो वो घंटों मेरे आगे रोती, क्योंकि मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था। लेकिन अचानक ही उसमें इतनी ज्यादा तब्दीली कैसे आ गई थी, ये मैं खुद ही समझ नहीं पा रही थी। रिया मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रही थी और यही बात जानने के लिए आज मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। अभी मैं हॉल में बैठी सोच ही रही थी कि मैं किस तरह मालूम करूं, तभी मैंने रवि को घर में दाखिल होते देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। आते ही उसने मुझे नमस्ते किया और फिर रिया को देखने लगा। उसे दिन में घर पर देखकर मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि उसकी नौकरी तो शाम तक की थी और अभी तो दिन के 12 ही बजे थे। मैं सोचने लगी कि क्या वो अक्सर ऐसे ही दिन में घर लौट आया करता है। वो मेरे पास आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे देखकर रिया जल्दी से किचन में चली गई, लेकिन रवि की नजर रिया को तलाश कर रही थी। वो बार बार मुझसे बात करते हुए किचन के दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने उसे पूछा कि नौकरी कैसी चल रही है, तो उसने बताया कि फिलहाल वो नौकरी की तलाश में है और जल्द ही मिल जाएगी। उसकी ये बात सुनकर तो मैं चौंक उठी, क्योंकि उसने कहा था कि वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और अब बोल रहा है कि वो नौकरी की तलाश कर रहा है। वो कहने लगा कि 15 दिन पहले ही मैंने नौकरी छोड़ दी है। बोलता कि आज के दौर में नौकरी की तलाश इतना आसान नहीं है। वो तो और भी बहुत बातें कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग उसी बात पर अटक गया था कि पिछले 15 दिन से दिन के वक्त भी वो घर में मौजूद रहता था और रिया ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया था मुझसे। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। रिया की रोज रोज की बिगड़ती हालत और उसके मुझसे नजरें चुराना मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। अब तो जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था मैं वो बयान नहीं कर सकती आपको। दोपहर के खाने के बाद मैंने बातों बातों में रिया से रवि के बारे में सवाल किए, तो वो कुछ पल के लिए मुझे देखने लगी और कोई जवाब नहीं दिया। दो निवाला खाकर ही वो उठ गई। मैंने रिया को आवाज देकर कहा कि आज तो तुम्हारे पसंद का खाना बना है, फिर क्यों इतनी जल्दी खाकर उठ गई? रिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, माँ गर्मी इतनी है कि कुछ खाने को जी ही नहीं चाहता। रिया की ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि रिया को हमेशा से ही गर्मियां पसंद थी। सर्दी तो उसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी, बहुत सारे कपड़े पहनने के बावजूद भी कांपती रहती थी। सारी सर्दी उसे लगातार खांसी रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी कि गर्मी अच्छी है और आज उसे यही गर्मी परेशान कर रही थी। किचन का काम करके जब वो सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा कि बेटा कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोना, गर्मी बहुत है। वो कहने लगी, माँ मुझे बिना दरवाजा बंद किए नींद नहीं आती है, अगर मैं दरवाजा खोलकर सो जाती हूँ तो बार बार मेरी आंख खुलती है। मैंने गहरी नजर रिया पर डाली तो मुझे सर से पांव तक बदली हुई महसूस हो रही थी। रिया तो हमेशा ही मेरे कमरे में सोने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन मैंने खुद ही उसका कमरा अलग कर दिया था ताकि जब उसकी शादी हो तो उसे मेरी और मुझे उसकी आदत न रहे। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा रिया के अलावा कोई और नहीं था और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। मेरी बेटी जवान हो रही थी और जवान बेटियों की माँ हमेशा फिक्रमंद ही रहती है, और कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। ना जाने क्यों सुबह से मुझे रवि बार बार खटक रहा था। रात के खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर बैठी कि चलो आज हम दोनों माँ बेटी कुछ देर बातें कर लेंगे, और इतने में रवि सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। शायद वो कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन हम दोनों को देखकर हमारे पास ही आ गया। मुझे उसका इस तरह से हमारे बीच में बैठना अजीब महसूस हो रहा था। रिया और मैं बात कर ही रहे थे कि जैसे ही वो हमारे बीच आकर बैठा तो रिया खामोश हो गई। मैंने अकेले में रिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी ताकि रिया से इस तब्दीली की वजह जान सकूं, लेकिन रवि की मौजूदगी में मैं उससे पूछ नहीं सकती थी। कुछ ही देर में मैंने कहा कि बेटा अभी जाकर तुम आराम करो, रात बहुत हो गई है, हम दोनों भी सोने के लिए ही जा रहे हैं, जबकि मेरा इरादा सोने का नहीं था, लेकिन रवि को भेजने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। वो मेरा मतलब समझ गया था, इसलिए वो खामोशी से उठकर चला गया। मैंने आज तक उसको बहुत अच्छा और नेक दिल ही पाया था, लेकिन शैतान कब किसी को बदल दे इंसान को क्या खबर। थोड़ी देर में रिया भी अपने कमरे में जाकर रूम बंद करके सो गई, लेकिन मेरी नींद खुल चुकी थी। मुझे कुछ अजीब उलझन हो रही थी।
उसका रिया से बात करने की कोशिश करना, बहाने बहाने से उसे देखना और दिन में मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ होना, मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। पूरी रात ऐसे ही करवट बदल बदल कर गुजार दी मैंने। रिया के चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वो रात भर सोती नहीं हो, और जब वो सुबह उठी तो उसका चेहरा फिर से वही बुझा हुआ था। मैं फैक्ट्री से इतनी ज्यादा दिन की छुट्टी तो नहीं ले सकती थी, इसलिए मजबूर होकर मुझे रिया को घर छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन मेरा सारा ध्यान उसी में अटका रहा और मैं अपना काम भी सही से नहीं कर पाई। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैं छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। घर की एक चाबी मेरे पास हमेशा रहती थी। मैंने सोचा कि रिया काम में व्यस्त होगी, इसलिए खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इम्तहा ना रही कि रवि रिया के पास खड़ा कुछ बात करने में व्यस्त था। उन दोनों को एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। यकीनन रिया और रवि ने मिलकर कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से रिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। रिया की खूबसूरत जवानी और नैन नक्श देखकर कहीं रवि ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया हो। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं कल के कल रवि को यहाँ से चलता कर दूंगी। अब कोई नया किरायेदार नहीं रखूंगी। अपनी बेटी की खामोशी के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी। मुझे अंदाजा था कि इन सबकी वजह कहीं ना कहीं रवि ही है, क्योंकि उसके आने से पहले रिया एकदम नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। वो अक्सर यहाँ वहाँ कूदा करती और हंसती मुस्कुराती रहती थी। रात होते ही रिया अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो मैंने उसे कहा कि मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम एक बार घर के दरवाजे को अच्छी तरह चेक करके आओ, और मैं खुद भागकर उसके कमरे में जाकर छुप गई। रिया शायद ये समझ रही थी कि मैं अपने कमरे में चली गई हूँ, इसलिए उसने अपने कमरे में आकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में सिर्फ हम दोनों माँ बेटी ही मौजूद हैं, ऐसे में उसे कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाने की क्या जरूरत आ गई। उसके बाद जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि जाने रिया कपड़े क्यों उतार रही थी, कहीं और लोग तो कमरे में नहीं थे। ऐसा सोचते हुए मैंने फटाफट पूरे कमरे में नजरें दौड़ा दी। मुझे लग रहा था कि मेरी जवान बेटी किसी गलत चक्कर में पड़ गई है और मेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद रिया ने अपना मोबाइल उठाया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों तले जैसे किसी ने जमीन निकाल दी हो। कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की बत्ती नहीं जलाना चाहती थी। उसके बाद मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में अलमारी में इसे एक छोटी क्रीम निकाली और उसके बाद क्रीम को वो अपने पूरे बदन पर लगाने लगी। बहुत ध्यान से देखा तो उसके बदन पर कहीं कहीं अजीब से ही बड़े बड़े दाने निकले हुए थे। मैं जान गई थी कि रिया को कोई बीमारी हुई है और वो बहुत तकलीफ में है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? भगवान जाने उसे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो इस कदर तकलीफ में थी। मैं जो रवि को लेकर गलतफहमी का शिकार हो गई थी, मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद रिया को ही कोई तकलीफ हो। जब मैं पर्दे के पीछे से निकल के सामने आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ ये तुम्हें क्या हुआ है। रिया की आंखों में दर्द के आंसू देख मैं भी रोने लगी। रिया कहने लगी, माँ मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। मेरे पूरे शरीर में बहुत तकलीफ है, जगह जगह ये छाले हो गए हैं। पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन फिर लगा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन एक दिन जब रवि भैया सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि रिया ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूर होकर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात माँ को नहीं बताई है तो वो कहने लगे कि मेरी मम्मी को भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ, तुम्हें एक महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। माँ आप सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हो और मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे ही बारे में सोचती रहें और परेशान रहें, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा ली। मैं सारी रात सो नहीं पाती और तकलीफ से मैं जागती रहती हूँ।
पहले तो इससे कहीं ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन जब से मैंने भाई की दी हुई दवा लगाना शुरू किया है इस तकलीफ में थोड़ी कमी आई है। मैं रवि को इस कदर गलत समझ रही थी, वो तो मेरी बेटी का भगवान निकला। उसने कितनी मदद की थी मेरी बच्ची की। मैंने रिया को डांट कर कहा कि आइंदा मुझसे कोई बात छुपाना मत, क्योंकि पिछले 2 दिन में मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान रही हूँ। वो कहने लगी कि मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरे लिए कितना त्याग किया है। माँ, पापा के जाने के बाद आपने कभी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साए से बचाना चाहती थी। आपने मुझे खुश रखने के लिए हमेशा अपनी खुशी मारी है। मुझे आपके दर्द और त्याग का एहसास है माँ। रिया की ऐसी बातें सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी, और मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया। अगले दिन मैं रिया को लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि वो पहले से ही एक अच्छी क्रीम लगा रही है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ खाने पीने वाली चीज भी बताई। जब हम लोग डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो रवि सीढ़ियां उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। वो कहने लगा कि आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। रिया मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन रिया ने ये बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उसे पूछा कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगा कि आंटी, मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है, इसलिए मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से उसे नई जॉब के लिए बधाई दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था, जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो रिया को वाकई अपनी छोटी बहन ही मानता था। उसने भाई होने का फर्ज निभाया भी था। शायद इसलिए उसकी आजमाइश का वक्त खत्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। लगभग 1 महीने बाद रिया की तकलीफ खत्म हो गई और वो फिर से पहले की तरह घर में चलती फिरती रहती थी। उसे ऐसे देख मानो मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।